आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ, पोटैटो नान स्टफ्ड तंदूरी रोटी। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, दीप्तिस कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टफ्ड तंदूरी रोटी पोटैटो नान बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले एक खाली बाउल ले रही हूँ मैं, उसमें डालना है एक छोटा कप हल्का गर्म पानी और उसमें डालना है एक टेबल स्पून एक्टिव ईस्ट और इसमें डाल देनी है एक छोटा चम्मच शक्कर। तो जिस स्पून से आप ईस्ट डाल रही हैं उसे जस्ट आप आधा शक्कर डाल दीजिए और ढक कर रख दीजिए 10 मिनट के लिए। और फिर मैं ले रही हूँ उबले हुए आलू बॉयल किए हुए और इसमें डालना है कुछ मसाले। ओरिगेनो पाउडर डाल रही हूँ मैं, चिली फ्लेक्स डाल दिया है और डाल रही हूँ हल्का सा नमक। 10 से 12 मिनट में खमीर एक्टिव हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप मैदा, लगभग 200 ग्राम। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद के अनुसार डालिए आप, और मसाले में नमक है इसलिए आप इसमें थोड़ा ही नमक डालिए। और फिर दोबारा से हल्के गर्म पानी से हमें मैदे को बढ़िया से मैश कर लेना है और अच्छे से चलाते हुए इसका एक डो बनाकर रख लेना है। तो इसे सबसे पहले बढ़िया से अच्छी तरह से मिलाना है, जो ईस्ट हमने एक्टिव की थी तो बढ़िया से उसमें ये मिक्स हो जाए। और ये देखिए एक अच्छा सा डो बन गया है। अब अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस डो को अच्छे से मसल मसल कर तैयार करके अच्छे से इसे रख लेना है। ये मैदे का डो थोड़ा गीला रहेगा, जितना गीला ये रहेगा उतना ही बढ़िया इसमें खमीर आएगा और ये जितना है अभी उससे डबल हो जाएगा फूलकर। तो यदि गीला होता है तो हमें इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही जरा सा भी घबराना है कि हमारा ये डो गीला हो गया है। थोड़ा गीला होगा तो वो आराम से चलेगा, जितना गीला ये डो होगा उतना ही बढ़िया से इसमें खमीर आएगा। अब एक कपड़े की सहायता से हमें इसे पूरा कवर करके ढक देना है। जो आलू में हमने मसाले मिलाए थे उन्हें बढ़िया से मैश कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दी थी। अब अपने हाथों में लगाना है ऑयल और आलू के मसाले को अपने हाथ से अच्छी तरह से मिलाकर छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर रख लेनी है जो कि हम नान रोटी में डालेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मसाले की इस तरह की बॉल बनाकर रख ली हैं। नान रोटी बनाने के लिए जो हमने डो बनाकर रखा था तो आधा घंटा हो चुका है पूरा और मैं ये देख रही हूँ कपड़े को हटाकर तो ये डो बिल्कुल जस्ट डबल हो गया है, अच्छी तरह से फूल गया है और बहुत ही अच्छा खमीर आया है। तो हाथों में लगाना है थोड़ा सा ऑयल जिससे कि ये हमारे हाथों में चिपके ना और अच्छी तरह से इसे हाथों से मसल मसल कर एक अच्छा सा डो बना लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर एक दोबारा से डो बना लिया है इसका। और अब इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे जैसे कि हम नान रोटी बनाएंगे। तो ये मैं कट कर रही हूं और ये डो की बॉल्स बनाकर भी रख ली हैं अलग से। अब हम इसके अलावा थोड़े से और सूखे मैदे का यूज करेंगे। तो ये कटे हुए जो पीस हैं डो के इन पर अच्छी तरह से ये सूखा मैदा लगा लेना है जिससे कि बिल्कुल भी ना चिपके। और ये बेलने वाली चौकी पर थोड़ा सा मैदा डालना है सूखा और अच्छी तरह से इसे लपेट कर थोड़ा सा हाथों से फैलाकर बड़ा कर लेना है। और जो आलू का मसाला हमने बनाकर रखा था तो उसमें एक एक ये बॉल इस तरह से रख देनी है और बढ़िया से कवर कर देना है और हाथों से थोड़ा सा बड़ा करके इसे हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे। तो देखिए बढ़िया सी एक लोई बनकर तैयार हो गई है और इसके अंदर मसाला अच्छे से बन गया है और अब बेलन की सहायता से आप इसे बेल लीजिए। और इतना ध्यान रखना है कि इसकी किनारी बहुत ज्यादा पतली ना हो और इस तरह की एक रोटी की तरह हमने बनाकर रख ली है। अब इस पर मैं डाल रही थोड़ी सी हरी धनिया डालना है, चिपका देनी है तो इससे क्या होगा ये लुक वाइज बहुत ही बढ़िया दिखेगी। और पैन में डालना है थोड़ा सा घी या बटर और उसमें डाल देनी है ये हमारी नान रोटी या हमारी तंदूरी रोटी और इसे ढक देना है। अब ये रोटी बढ़िया से पक गई है
डेढ़ से दो मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे ढाँक दिया था। और अब इस पर लगाना है थोड़ा सा बटर या देसी घी भी लगा सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये नीचे से सिक चुकी है, देखिए ऊपर बबल्स आ रहे हैं। और अब इसे पलट देना है और डेढ़ से दो मिनट के लिए इसे भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सेक लेना है बिना ढके। तो हमारी ये नान रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए डेढ़ से दो मिनट में दूसरे तरफ भी बढ़िया से सिक गई है। इसी तरह से हमें सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये मैंने जो तीन लोई कट की थी, देखिए तीनों नान रोटियां बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो ये पोटैटो नान या स्टफ्ड तंदूरी रोटी बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और जो मैंने आलू में जो मसाले मिलाए हुए थे, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, यदि आप चाहें तो उसके अलावा उसमें कुछ और मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट आएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। तो आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।